है चुन्नू मुन्नू। चलो बाहर चलो, ए, चलो बाहर, सुमन दीदी आ गई है तुम्हारी, चलो उनका बिल कम करो। हो ना, आपको पता है आप जैसी कोई दूसरी माँ नहीं रहेगी इस दुनिया में। हाँ, तुम दोनों जैसा कोई बदतमीज ना होगा मुंह चलाने वाला, घर को जंगल बना दिए हैं। पर आपने हमें 20 घंटे से एक कमरे में बंद रखा है। तब बंद रखे हैं काहे कि तुम दोनों का चिंता था हमको, बंद रखे हैं तो कितना कुछ दिए थे खाने के लिए, सही ना दिखाई दे रहा होगा। पर अपने बच्चों को ऐसे कौन बंद रखता है कमरे में? हम रखते हैं, और कौन रखेगा? तुम दोनों को पता नहीं है हमको कितना चिंता है तुम दोनों का, काहे कि तुम दोनों हमारे सब कुछ हो, हमारा बैंक अकाउंट, फिक्स डिपोजिट, जितना संपत्ति है ना इस सब के मालिक अब तुम ही दोनों को ही सब देखभाल करना है कि नहीं? और इसे भी सुमन बबनी अगवा हो गई थी, तुम दोनों को कोनो ले जाता तब? उसे तो ले जाना चाहिए, बाकी तैयो माँ है, चिंता होता है। ठीक है, वही चलते रख लेते हैं, मुंह मत ताको एक दूसरे का, चलो जल्दी। बैल सब कहते हैं माता पिता रिश्तेदार जो है वो भगवान तय करते हैं, पर दोस्त जो है वो हम स्वयं चुनते हैं। सुमन, तुम सच में बहुत सौभाग्यशाली हो जो ऐसे दोस्त मिले हैं तुम्हें। धन्यवाद बच्चों, जो तुमने हमारी बच्ची का साथ दिया। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, इस बहाने हमको भी एक्सपीरियंस मिल गया, वरना हम कहां ऑटोमेटिक गन फायर करता। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए पंडित जी, और कुछ नहीं। अरे जीते रहो। सुमन दीदी, हटो ना, कितना भीड़ है यहाँ। सुमन चाची, सुमन बबनी तुम आ गए, हमको तो विश्वास से नहीं हो रहा है कि हम तुमको देख रहे हैं। हम तो लगा था ना कि हम कितना दिन बाद तुमको देखेंगे, बाकी देखो तुमसे सामने खड़ा हो। अब जानती हो हम तो सोच लिए थे कि जब तक तुम आओगी नहीं ना हम कुछ खाएंगे नहीं, व्रत कर लिए थे हम, कुछ खाए वो नहीं किए, वैसे भी हमारा तो सांस रुका जा रहा था, बाकी देखो हम तुमको देख लिए। रमा झूठ क्यों बोल रही हो, दोपहर में खा तो रही थी बैठ के। हाय भैया। कहा दीदी आज आप मजाक करती हैं। तब रात के बीच में कुछ खाया जाता है ना, वो अलहार होता है, वो कर रहे थे अलहार, नो कार्स। रुक्मिणी जी, बिटिया आई है, क्या विशेष पकवान बनेगा? माफी चाहते थे भाई साहब, हम कह रहे थे कि सुमन की आने की खुशी में एक पार्टी हो जाए बच्चों के लिए तो अच्छा रहेगा। वाओ चाचू, बेस्ट आइडिया, खाना पीना सब इनके स्टाइल में। बाहर से खाना मंगवाओगे? हाँ मतलब भाई वो फास्ट फूड। सुमन और बादल के बीच में जरूर कुछ चल रहा है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा।